ग्वालियर के जयविलास पैलेस में राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देने के लिए भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्वालियर की जनता भी शामिल हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भजन संध्या में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बधाया। स्वर्गीय राजमाता जी को श्रद्धा के सुमन, माधवी राजे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूँ। उनकी सादगी, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनका स्नेह और वात्सल्य का ही परिणाम है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सफलतम राजनेता हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज वेद प्रकाश शर्मा जी के बड़े भाई साहब का स्वर्गवास हुआ है तो मैं वहां भी जाऊंगा, और प्रभात राय मूर्तिकार जिनसे कई मूर्तियां हम लोगों ने बनवाई थी वो नहीं रहे, मैं समझता हूँ कि बड़े कलाकार थे जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनको भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित। भजन संध्या में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया और बेटा महारमन सिंधिया के साथ बैठे नजर आए। इस दौरान पूरा सिंधिया परिवार इमोशनल हो गया। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया की आंख से बार बार आंसू झलक रहे थे, वहीं सिंधिया भी काफी भावुक नजर आए। गौरतलब है कि ग्वालियर के सिंधिया घराने की राजमाता माधवी राजेश सिंधिया का 15 मई को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया था। उनकी लंबे समय से तबीयत खराब थी। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।